ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जीवन धारा। कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को मैं स्मिता और मैं अमित, हमारा प्यार भरा नमस्कार। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा में हम आपका स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आइए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज होगी पहले स्वास्थ्य चर्चा, इसके बाद एक गीत होगा और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र बाइबल का संदेश। तो चलिए स्वास्थ्य चर्चा सुनने से पहले सुनते हैं ये गीत। को बचाया अपना लहू बहाया, मेरे गुनाह के लिए सूली कबूज उठाया, तुमने मुझको बचाया अपना लहू बहाया, मेरे चलाता है तू
बचाया, अपना लहू बहाया, मेरे गुनाह के लिए सूली का बोझ उठाया, मेरे गुनाह के लिए सूली का बोझ उठाया, मेरे गुनाह के लिए सूली का बोझ। रोगाणु कई माध्यमों के जरिए से फैल सकते हैं, उनमें से एक आपके हाथ भी हो सकते हैं। आप दिन भर में कई प्रकार की चीजों को छूते हैं। साथ ही भारतीय होने के नाते हम में से कई लोग भोजन भी हाथ से ही करते हैं। इन्हीं हाथों से हम अपने मुंह को भी छूते हैं, इसलिए यह भी संक्रमण के लिए सबसे आसान तरीका बन जाता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने का। यदि आप संक्रमण को रोकना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ सामान्य हाथ धोने के नियम बताने जा रहे हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। हाथों को कब कब धोएं? हाथों को स्वच्छ रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन पहला सवाल यह उठता है कि वह कौन सा समय है कि आप हाथ धोने के लिए कौन सा समय चुने जिससे रोगाणु का खतरा ना हो। सबसे पहले तो आपको हाथ धोने की आदत बना लेनी चाहिए। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि भोजन के पहले और भोजन के बाद अपने हाथों को धोना जरूरी है। इसी प्रकार से किसी चोट को छूने से पहले और बाद में, किसी भी जानवर को छूने के बाद, नाक और मुंह पोंछने के बाद, कूड़ा छूने के बाद, वॉशरूम जाने के बाद, दवाई खाने से पहले, सफाई करने के बाद आदि, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी आदतों को बनाते हुए इन स्थितियों में हाथ धोना बहुत ही जरूरी है। आइए देखें कि किस प्रकार हाथ धोने चाहिए। केवल हाथ धोना ही काफी नहीं होता, आपको अपने हाथों को ठीक प्रकार से धोना चाहिए। हमेशा कोशिश करें कि अपने हाथों को नल के चलते हुए पानी से ही धोएं, ना कि बाल्टी में रखे हुए पानी से। हाथ धोते समय साबुन का प्रयोग जरूर करें। हाथ धोते समय हाथों को रगड़ रगड़ कर 10 से 15 मिनट तक जरूर धोना चाहिए। जब हाथ धुल जाएं तब उन्हें तौलिए से पोंछें। हम हर जगह पर साबुन लेकर नहीं जा सकते, इसलिए इस स्थिति में हैंड सैनिटाइजर रखें। यह उपयोग करने में आसान होता है। जिसको प्रयोग करने के लिए आपको पानी की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सैनिटाइजर खरीदने से पहले इस चीज को ध्यान में रखें कि उसमें 60% अल्कोहल मिला हुआ हो। इसके अलावा आप एंटीबैक्टीरियल वाइप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार से बहुत प्रभावी होता है।
नाखूनों की सफाई। आपको इस बात का भी पूरा पूरा ध्यान रखना होगा कि आपके नाखून भी साफ और कटे हुए हों। इन्फेक्शन का खतरा गंदे नाखूनों की वजह से ही ज्यादा होता है। तो इस प्रकार इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए और इन्हें इस्तेमाल करते हुए अपनी अच्छी आदत बनाते हुए अच्छी सेहत हासिल कर सकते हैं। तो आइए इन बातों को ध्यान में रखें और अच्छी सेहत पाएं। परमेश्वर आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। आमीन। आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। यदि आप पत्राचार द्वारा यीशु के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर या फिर स्वास्थ्य विषय पर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है वॉइस ऑफ प्रोफेसी, 11 हेली रोड, नई दिल्ली 110001, इंडिया। तो आइए पवित्र बाइबल से आत्मिक संदेश सुनने से पहले और एक गीत सुनते हैं। छूलो उसे, वो करीब है, देख लो उसे, देता वो ज्योति तुम्हें, आया जगत में मेरे लिए, आया जगत में मेरे लिए। छू लो उसे, वो करीब है, देख लो उसे, देता वो ज्योति तुम्हें, आया जगत में मेरे लिए, आया जगत में मेरे लिए। आत्मा से करता है आत्मा से वो मुझको, देखो भरता है, लहू जो उसका शुद्ध करता है, लहू जो उसका देखो बहता है जगत में मेरे लिए, आया जगत में मेरे लिए। वो मेरे पास देखो ज्योति है, विपत्ति में वो मेरी देखो शक्ति है,
वो मेरे पाँव की देखो ज्योति है। विपत्ति में वो मेरी देखो शक्ति है। पृथ्वी पर आया स्वर्ग छोड़ कर मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, ओ मेरे लिए। छू लो उसे, वो करी। प्रिय रेडियो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। मित्रों, बाइबल कहती है, जब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। ये मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है। भजन संहिता 56 उसका 9 वचन। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। भजन संहिता 118 उसका 6 वचन। मित्रों, इस संसार में सबसे महान सौभाग्य जो हमें दिया गया है वह है कि प्रभु हमारे पास में है। हम इस संसार में जो बुराई वो कपटता से भरी है उसमें विजय में जीवन जिए, जो खुशी और शांति से भरा हो। अगर प्रभु हमारे संग नहीं होते तो हमें कभी ये खुशी प्राप्त नहीं होती। जब प्रभु हमारे साथ निवास करेंगे तब हमें विजय में जीवन जीने से कोई रोक नहीं सकता। मेरी जिंदगी में मैंने बहुत बार ये अनुभव किया है कि दुख की घड़ी में प्रभु की उपस्थिति मेरी अगुवाई करती है, मुझे उत्साहित करके चलाती है। अगर आप में से प्रत्येक जन इस रहस्य को जान लेंगे तो अवश्य हम प्रत्येक का जीवन विजयमय होगा। हमारे प्रभु यीशु को कई नाम दिए गए हैं, उनमें से एक इमानुएल है। इसका अर्थ है प्रभु हमारे संग है। जब महिला को प्रभु को इस तरह से स्वागत करेगी, हे प्रभु आपको आना होगा, मेरे गृहस्थ में आपको मेरे साथ निवास करना होगा और आपका पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेना होगा, तब प्रभु आएगा और उस घर में निवास करेगा, परिपूर्ण आशीष देगा। प्रभु आपके हाथों को पकड़कर आपकी अगुवाई करेगा। इसलिए सर्वशक्तिमान के बिना कोई विजय नहीं, प्रभु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है, कुलुसियों 1 उसका 27 वचन। फिर प्रभु ही हमारी महिमा की आशा है, इसलिए यह मुख्य कि हमारे पास ईश्वरीय अनुभव होना चाहिए कि हम प्रभु के साथ निकटतम संबंध रखें। कई बार हमारे जीवन साथी, दोस्त, रिश्तेदार हमें समझ नहीं सकते, परंतु हमारे पास प्रेमी पिता है जो सदैव हमेशा हमारे साथ रहने के लिए तैयार है और जो हमें हर वक्त समझ सकता है। हम अपने हृदय को खोल सकते हैं और अपनी आत्मा को उनके चरणों में उंडेल सकते हैं। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि मैं और मेरा पिता दोनों एक है, यूहन्ना 10 उसका 30 वचन। आइए अभी हम इस बात का मनन करें कि प्रभु को हमेशा हमारे संग
रहने के लिए हमें क्या करना होगा। आइए हम उस प्रभु को पूरे हृदय से ढूंढे। बाइबल कहती है, देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता है जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। व्यवस्था विवरण 4 उसका 7 वचन। प्रभु की दासी कहती है, एक बार मेरे पति गंभीर स्थिति में थे क्योंकि उनको हृदय की बीमारी थी और वे जीवन व मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे थे। उस समय मैं बहुत भयभीत व चिंतित थी। प्रभु, उस समय मैं भी प्रभु की सामर्थ्य में उपस्थिति को मेरे संग महसूस किया। हमेशा ईश्वरीय शांति जो मेरे समझ से बाहर था मेरे हृदय में प्रवेश कर रहा था। ये ईश्वरीय खुशी है। ये हम तब अनुभव कर सकते हैं जब प्रभु की सामर्थ्यमय उपस्थिति हमारे संग रहती है। मेरे भाइयों और बहनों, हो सकता है अचानक आपको आपके जीवन में ऐसी स्थिति और समस्या का सामना करना पड़ सकता है, परंतु निम्नलिखित वचन के अनुसार तुम मुझे ढूंढोगे पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तब प्रभु अवश्य अद्भुत चिन्ह व चमत्कार द्वारा यह सिद्ध कर देंगे कि वो आपके संग है। प्रतिदिन जब भी हमें समय मिले, हमें अपने पूरे हृदय से प्रभु को ढूंढना चाहिए। दाऊद कहता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी ना डगमगाऊं। भजन संहिता 16 उसके 8 वचन। शाम, दोपहर, सुबह वो जोर से प्रभु को पुकारता और विनती करता है। भजन संहिता 55 उसका 17 वचन। और रात को प्रभु के वचन पर मनन करना चाहिए। जब हम प्रभु को ढूंढते हैं तब आइए हमारे जीवन में से सारी कमियों को दूर कर दे और उसके निकट जीवन जी सके। तब वो प्रभु जिसने दाऊद को आशीषित किया वही आपको भी आशीषित करेगा। समय को बहुमूल्य समझें, अवसर को बहुमूल्य समझें, क्योंकि दिन बुरे हैं। इफिसियों 5 उसका 16 वचन। हमने देखा कि दाऊद की ये आदत थी कि वो सुबह, दोपहर, शाम प्रतिदिन प्रार्थना करता था, परंतु एक बार जब वो प्रार्थना करने से चूक गया तब ऐसा हुआ कि एक शाम वो अपनी बिस्तर से उठा और वो अपने राजमहल के छत पर टहल रहा था। ये वो समय था जब उसे प्रभु के चरणों में बिताना था। उस समय वो पाप में फंस गया क्योंकि आंखों की लालसा के कारण, यहां तक कि उस व्यक्ति की हत्या भी करनी पड़ी। मेरे भाई और बहनों, जैसा कि दिन बुरे हैं, आपको अपनी आत्मा में उत्तेजित होना होगा। दुष्ट लोग आएंगे, बहुत ही चापलूसी से बात करेंगे और हमें गलत मार्गों में फंसा देंगे, परंतु जब हम प्रभु के साथ चलेंगे तब वे हमेशा हर घड़ी हमारे साथ रहेंगे। मेरे दोस्तों, बाइबल कहती है, मेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, वो संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। एक प्रभु का भय रखने वाला परिवार था जो कलीसिया में जाने के लिए तैयार हो रहा था। उनके पुत्र ने पूछा, कल भी हम क्रिसमस मनाने के लिए चले गए थे, फिर से जाने की क्या हो सकता है? मैं समुद्र
तट पर जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता हूं। वो अपना समय कलीसिया में ना बिताकर कहीं और बिताना चाहता था। जब सुनामी लहर उठी और उस लड़के को पानी में खींचने का प्रयास किया, परंतु वो अद्भुत रूप से इस भयंकर घटना से बच गया, क्योंकि माता पिता धार्मिक थे, वे कलीसिया में थे और अपने उस लड़के के लिए प्रार्थना कर रहे थे। मेरे मित्रों, परमेश्वर आपके साथ है, उसका दामन हमेशा पकड़ के रखिए, वही आपको सुरक्षा प्रदान कर सकता है। कि आप तैयार हैं तो आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं कि तू अद्भुत रीति से इस बालक को सुनामी के लहरों से बचाया है। हमारे जीवन में भी तू आ, सुनने वाले हर एक श्रोताओं के संग हो प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, आप हमें इस नंबर पर कभी भी किसी भी वर्ग समय संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, प्रार्थना करवा सकते हैं, अपनी परेशानियों को बता सकते हैं। मेरा नंबर है 9689231702, 9689231702। मेरी ईमेल आईडी है morrisawr@gmail.com, morrisawr@gmail.com। आप हमारे कार्यक्रम को ऑनलाइन में भी सुन सकते हैं। हमारा पता है www.awr hindi asia। कार्यक्रम सुनने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। श्रोताओ, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें अवश्य लिखिए। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। पता एक बार फिर नोट कर ले। कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। और अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इसी मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए मैं स्मिता और मैं अमित, हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।